क्योंकि एग्जाम में ये देखो क्वेश्चन आपको बार बार पूछ रहा है, और इसको मैं बता रहा हूँ, आप देखते हैं कि दो को फ्री एंड स्केचिंग रहता है, टूल्स आपका जो थ्योरी बुक में दिया हुआ उस बुक में आपको, थ्योरी बुक में आप जो दिया हुआ उसको दिया हुआ रहता है दो ठो, जैसे हेमर हो गया या ट्राई स्क्वायर हो गया या चीजल हो गया या टूल्स माइक्रोमीटर हो गया, इस ढंग से आपका जो भी टूल है उस टूल से क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट उसका फिगर बनता है। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि नट जो होता है नट को भी इसका व्यू निकालने के लिए दे दिया जाता है, इसका व्यू कैसा निकलता है, अब नट में देखिए कौन कौन से व्यू किस टाइप का व्यू होगा। तो नट में व्यू निकालने के लिए भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन सबसे पहले खींच लीजिए। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जब एक बिंदु पर आकर मिलती है तो चार क्षेत्र का निर्माण करता है, ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, ये आपका थर्ड और ये हो गया फोर्थ। अब देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड और चार प्रकार का होता है, इसमें से आप देखिए कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जब एक बिंदु पर मिलती है तो इसके संयुक्त नाम को क्या बोलते हैं, डायहेड्रल कोण। अब देखिए सबसे पहले तो इसको फर्स्ट एंगल निकालना है कि थर्ड एंगल निकालना है, क्वेश्चन आपको फर्स्ट में पहले वाले काल दिखाते, क्योंकि सबसे कठिन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में तो साइड जैसे ही दिखाई पड़ता है वैसे ही बनता है, लेकिन फर्स्ट एंगल में क्या होता है उसका रूल होता है। जब इसको आप देखिए कि कहाँ से देख रहे हैं, जब हम नीचे से देखेंगे तो कहाँ चलेंगे, ऊपर, और दाएं से देखेंगे तो कहाँ चले आएंगे, हम बाएं चले आएंगे, तो बाएं चले आएंगे तो आप देखिए बाया में क्या दिखाई पड़ता है उसको देखना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जिस ढंग से आपको दिखाई पड़ता है उस ढंग से आपको बना देते हैं, और बनाने में देखते हैं कि दोनों तरफ आपका जैसा भी व्यू रहेगा, जैसे सामने से दिखाई पड़ता है तो सामने, इसमें देखिए नट में होता है कि जो आपको फ्रंट और साइड दोनों सेम बराबर बनेगा। ये देखिए आपका फ्रंट और साइड दोनों सेम बराबर रहेगा, और प्लान देखिए किस टाइप रहेगा, जब नट को ऊपर से देखेंगे हम, देखिए इसको ऊपर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल यह गोल हो जाएगा, आपको बिल्कुल इसमें गोल दो सर्किल बना दीजिए। आप देखते हैं इसमें ठेठ कटा हुआ है तो इसको डबल कर दीजिए, यानी दो हो गया। अब ये देखिए इसकी चौड़ाई के बराबर ये हो गया, आप इसका माप दर्शा दीजिए कितना माप आप इसका बता रहा है, मान लीजिए ये आपका 25 है और ये आपका कितना बता रहा है इसका भी लिख दीजिए, ये आपका लगभग 60 है, ये आपका कितना हो जाएगा वो भी दिखाइए, आपका 60 है, ठीक है 60 है। तो ये जब तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होता है डायमेंशनिंग लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन होता है, डायमेंशनिंग लाइन, डायमेंशनिंग लाइन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ड्राइंग का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो डायमेंशनिंग लाइन होता है। आप ये फ्रंट की जो चौड़ाई होगा या प्लान की चौड़ाई, फ्रंट की चौड़ाई और प्लान की चौड़ाई दोनों आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा, और साइड की जो चौड़ाई होगा प्लान की ऊंचाई दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए दोनों बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब देख रहे सामने से जैसा दिखा पड़ा वैसा ही बना दिया, और साइड से जैसा दिखा पड़ेगा वैसा बनाएंगे हम फिर। अब देखिए सबसे पहले जो जैसे दिखाई पड़ रहा उसके हिसाब से बनाए, दिखने में जैसे जैसे लग रहा तीन पार्टी दिखाई पड़ेगा ऐसे है, इसके पीछे भी ऐसा बना हुआ है, ये बिल्कुल आपका जो नट देखते होंगे तो वो बिल्कुल रहता है, ये आपका है षष्ठभुजाकार नट में षष्ठभुजाकार आकार का बनेगा, और स्क्वायर नट में स्क्वायर आकार का बनेगा, जिस प्रकार का नट रहेगा उसके हिसाब से उसका व्यू भी निकलेगा। और आप देख लीजिए सबसे पहले आप इसको फर्स्ट एंगल में बना दिए, अब लिख देते हैं फ्रंट, सारा काम कर दिए, सिर्फ फ्रंट साइड प्लान नहीं लिखेंगे तो एक नंबर भी नहीं मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सबसे पहले लिख लीजिए आपका फ्रंट और साइड, और ये आपका हो गया प्लान। अब देखिए ये आपका फ्रंट हो गया, ये आपका साइड हो गया, ये आपका हो गया प्लान। अब देखिए इतना जब बना लीजिएगा तो आप लोग कहाँ चलाइएगा, सिंबल में, सिंबल देना सबसे अति अनिवार्य होता है, अगर सारा काम किए सिंबल नहीं, सिंबल पर आपका दो नंबर है। अब देखिए फर्स्ट एंगल में सिंबल कैसा बनेगा, दो सर्किल बनाइए, एक सर्किल का मान सबसे पहले बड़ा वाला सर्किल जितना भी हाइट का रहेगा इसका डायमीटर रहेगा उसी के हिसाब से फिर छोटा वाला को दीजिए, और दोनों को मिला दीजिए आपस में। अब देखिए इसमें सेंटर लाइन लगाइए,
ये देखिए आपका सिंबल है। कभी कभी आप एग्जाम में देखते हो कि जब पूछ देता है आप लोग को सिर्फ सिंबल पूछता है, फर्स्ट इंगल और थर्ड इंगल का सिंबल क्या है, तो फर्स्ट इंगल का सिंबल जो होगा वो दे देंगे और थर्ड इंगल का जो सिंबल होगा उसका भी दे देंगे। दोनों को सिंबल को मैं दर्शा दूंगा और बताएंगे। यह भी कभी कभी क्वेश्चन आप लोग को पूछता है, इस पर भी जरा सा ध्यान दीजिएगा। सिंबल पर सिर्फ सिंबल का ही क्वेश्चन अगर पूछता है तो 10 नंबर का ही भी रहता है, जो आप लोग 17-18 नंबर में पास करते हैं और 10 नंबर का सिंबल ही आपको रहता है, तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। उसके बाद आप टाइटल ब्लॉक, सबसे पहले इसे भी पहले आप ड्राइंग शीट के बारे में जान लीजिए, ड्राइंग शीट कैसे सेट होता है। ड्राइंग शीट अगर सेट नहीं कीजिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ड्राइंग शीट ये 20 mm आपको इस साइड से छोड़ना है, 10 mm इधर से और 10 mm इधर से और 10 mm इधर से, इसी में आपका टाइटल ब्लॉक बनाना है। इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए 200, ये अगर 297 और 210, ये सबसे आपका स्टैंडर्ड साइज है। इस लंबाई में आपको लेना है चौड़ाई में, आप तब उसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचिए और जैसा ये पिक्चर बना रहे इसको पिक्चर इसमें डालिए, तब आपको देखिए नंबर कितना बढ़िया मिलेगा। और इस ढंग से आपको तैयारी करके जाइएगा, ये सोचिएगा कि हम सिर्फ जाएंगे और वहाँ बना लेंगे, ये संभव नहीं है। जब तक आप समझ में नहीं आएगा व्यू कैसे निकलेगा तब तक सही नहीं होगा, क्योंकि ड्राइंग सबसे कठिन होता है। देखने में आसान लगता है लेकिन बनाने में सबसे कठिन है। आप देखिए इसका व्यू निकल गया और व्यू निकल के ये आपका ड्राइंग शीट हो गया। इसको उठा के इसमें दे दीजिएगा और सिंबल यहाँ नीचे में दीजिएगा और यहाँ आपका साइड प्लान बन जाएगा। यहाँ आप देख लीजिएगा जिसका एंगल है, अब ड्राइंग शीट सेट करने में भी होता है। उसके बाद इस ड्राइंग शीट के कितना mm, प्रश्न ये उठ रहा है कि कितना कितना हटा हुआ होना चाहिए इसका। आप देखिए 10-10 mm या 20 mm का, 10 mm का लेंगे या 20 mm का लेंगे, दोनों साइड आपका छोड़ देंगे और इधर से भी आप छोड़ दीजिए। और इधर से भी आप छोड़ दीजिए और यहां दे दीजिए आप प्लान। ये देखिए आपका, ये आपका हो गया फ्रंट, ये हो गया प्लान, ये हो गया आपका साइड। इस ढंग से आप इस पिक्चर को यहां डालिएगा और यहां सिंबल बना दीजिएगा, तब आपको नंबर मिलेगा। अच्छा, आपको जितना भी बनाना है सब डायमेंशनिंग करके, हम डायमेंशनिंग लिख दिए, इसके नाप के हिसाब से बनाना। ये देखिए जैसे बना लीजिएगा आपको नंबर मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा गौर करके आप देखिए, मेरे वीडियो को आप देखते रहिए लगातार, ये नहीं कि थोड़ा सा देखते उसको छोड़ देते हैं। यार आप लोग का डुमेरिट हो गया है कि आलस जब अपना शरीर को नहीं त्याग रहे हैं, आलस में आप लीन हैं कि क्या होगा नहीं होगा, थोड़ा सा ही पढ़ लेंगे, कभी पढ़ लेंगे ऐसा ही हो जाएगा, नहीं पढ़ने से भी पास कर जाएंगे, ऐसा अगर कोई मन में अगर हटा दिया है तो ये गलत हटा दिया, इसको दूर कर लीजिए और मेरे वीडियो पर आप लगे रहिए, आपका जरूर ही सक्सेस होगा। जय हिंद, जय भारत।